राजेश अपनी भाभी नीलम का लाडला था। नीलम भी राजेश को अपने बेटे की तरह प्यार करती थी। राजेश, लखनऊ वाले मामा जी ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता बताया है। लड़की बहुत अच्छी है, अब तुम शादी कर लो। अरे नहीं भाभी, शादी तो बर्बादी है। भला तुम्हारे हाथों के खाने में जो स्वाद है वो किसी और के हाथों में कहा। मुझे अभी शादी नहीं करनी भाभी। राजेश की ना नुकुर करने के बावजूद घर वाले उसकी शादी करवा देते हैं। लेकिन फिर भी राजेश अपनी भाभी का पल्लू नहीं छोड़ता। वो अपनी पत्नी को बिल्कुल तवज्जो नहीं देता था। उसके लिए उसकी पत्नी सुधा का होना ना होना बराबर था। अरे राजेश, तुम अकेले बाहर जा रहे हो, सुधा को भी लेते जाओ। अरे क्या भाभी, हफ्ते में एक दिन तो छुट्टी मिलती है और आप वो भी खराब करना चाहती हैं। सुधा बाहर जाके क्या करेगी, वो घर में ही ठीक है। वैसे मुझे देर हो रही है भाभी, चलता हूँ मैं। राजेश की इस बेरुखी से सुधा हमेशा उदास रहती थी। फिर एक दिन नीलम इस विषय को लेकर अपने पति से चर्चा करती है। सुनिए जी, राजेश को कब अकल आएगी, वो तो सुधा की बिल्कुल कदर ही नहीं करता। अब आप ही बताइए ऐसे कैसे चलेगा। तुम ठीक कहती हो, राजेश को सही रास्ते पर लाना ही पड़ेगा। चलो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। फिर दो दिन के बाद नीलम बाजार से खरीदारी करके घर लौटती है। ये लीजिए माँ जी, मैं आपके लिए नई साड़ी लेकर आई हूँ। बबलू, ये तुम्हारे लिए। नीलम सबके लिए कुछ न कुछ लेकर आती है। भाभी, आप मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आई क्या? अरे राजेश, तुम क्या समझते हो, मैंने कोई बैग खोल रखा है या फिर घर के आंगन में पैसों का पेड़ लगा रखा है? तुम हर बात के लिए मुझसे उम्मीद क्यों रखते हो? अब बड़े हो गए हो, अच्छा कमाते हो। हाँ भाभी, मैं तो बस। अरे बस भी करो, तुम्हारी ये बच्चे जैसी ना समझ बातें सुनने के लिए मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। नीलम राजेश को छिड़क कर वहाँ से चली जाती है। राजेश अचानक अपनी भाभी का ये रूप देख असमंजस में पड़ जाता है। फिर एक दिन नीलम रसोई घर में खाना बना रही होती है कि तभी राजेश वहाँ आता है। भाभी, आज मैंने अपने बॉस से वादा किया है कि उनके लिए आपके हाथों का बना गाजर का हलवा लेकर आऊंगा। आपके हाथ से बने गाजर के हलवे में तो जादू है जादू। मेरे बॉस तारीफ करते नहीं थकते। प्लीज अब जल्दी से बना दीजिए ना भाभी। नीलम राजेश के ऊपर भड़क जाती है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? आखिर तुम मुझे समझते क्या हो, इस घर की नौकरानी? जब देखो तब फरमाइश करते रहते हो, भाभी ये बना दो, भाभी वो बना दो। अरे तुम्हारी पत्नी सुधा भी तो इस घर में रहती है, तो उससे कुछ क्यों नहीं कहते? भाभी आप इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं? अरे बस भी करो राजेश, मेरा दिमाग और मत खराब करो, जाओ यहाँ से। अपनी भाभी का इस तरह बेरुखी भरा बर्ताव देख राजेश को बड़ा बुरा लगता है और वो उदास होकर अपने कमरे में बैठ जाता है। तभी उसकी पत्नी सुधा वहाँ आती है। क्या हुआ जी, आप इस तरह उदास क्यों बैठे हैं? राजेश अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। राजेश की बात सुनकर सुधा मुस्कुरा के कहती है, बस इतनी सी बात?
चलिए जी, मैं आपकी बॉस के लिए गाजर का हलवा बना देती हूँ। अरे छोड़ो, तुमसे नहीं हो पाएगा, रहने दो। आप तो बस देखते जाइए जी, अभी आती हूँ मैं। थोड़ी देर के बाद सुधा हलवा बना के राजेश को देती है। फिर राजेश अपने ऑफिस चला जाता है। शाम को जब राजेश घर आता है तो खुशी के मारे अपनी पत्नी सुधा को गले लगा लेता है। अरे वाह सुधा, तुमने तो कमाल कर दिया, सच में क्या स्वादिष्ट हलवा था। मेरी बॉस बहुत तारीफ कर रहे थे और इस हफ्ते घर आ रहे हैं तुम्हारे हाथों का खाना खाने, और इतना ही नहीं, उन्होंने मेरा प्रमोशन भी कर दिया है। सच? हाँ। मुझे माफ कर दो सुधा, आज तक मैं तुमसे गैरों की तरफ पेश आता रहा। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं जी, मैं तो आपकी पत्नी हूँ। धीरे धीरे राजेश अपनी पत्नी के साथ पूरी तरह घुल मिल जाता है और अपना ज्यादातर समय सुधा के साथ बिताने लगता है और उसकी हर छोटी मोटी जरूरतों का ख्याल भी रखता है। ये देख राजेश के भैया और भाभी बहुत खुश होते हैं। फिर एक दिन राजेश और सुधा बाहर से घूम कर आते हैं। राजेश, सुधा के प्रति तुम अपनी जिम्मेदारी समझो, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया था। अगर तुम्हें मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना। अरे अरे भाभी, ये क्या कह रही है, मैं जानता हूँ आप तो मेरे लिए हमेशा अच्छा ही सोचोगी। आखिर आप वर्ल्ड की बेस्ट भाभी जो है। इसे कहते हैं अंत भला तो सब भला।